चल अपन यहाँ पे एमएस वर्ड ओपन कर लेते हैं। एमएस वर्ड में अपना इंसर्ट टैब चल रहा था, इंसर्ट टैब में पेजेस वाला तुरंत कंप्लीट हो गया। इतने में कोई डाउट है आपको आज बता दो। पेजेस के बाद सेकंड ग्रुप आपका यहाँ पे रहता है टेबल्स का। टेबल्स से आप ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करते हैं। जब आप यहाँ से टेबल्स ग्रुप में टेबल से ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करेंगे तो आप देखना यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल रहा है इंसर्ट टेबल। आप यहाँ से टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। आप तो जो ये लंबे में देखने को मिल रहे हैं ये होते हैं अपने कॉलम, और जो आड़े में होते हैं ये होते हैं अपने रो। अब आप यहाँ से कितने कॉलम और कितने रो इंसर्ट करना चाहते हैं आप उसे यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। देखिए आपके सामने यहाँ पे टेबल आ जाएगी। अब आप देख रहे हैं टेबल अपनी सिलेक्ट है, टेबल पे क्लिक है, आपको यहाँ पे ये डॉट देखने को मिल रहा है। आप इस पे क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो पूरे टेबल का साइज यहाँ से बड़ा हो जाएगा। अब ये जो लंबे में रहते हैं ये क्या रहते हैं कॉलम, जो आड़े में होते हैं ये होते हैं रो। कॉलम और रो से मिलकर आपका सेल बनता है। जैसे कि आप सिर्फ इसकी बात करेंगे तो ये क्या है सेल, कॉलम और रो से मिलकर सेल बनता है, इसे आप बोलते हैं सेल। अब आप देखिए जैसे ही आप यहाँ पे टेबल इंसर्ट करते हैं आपको एक यहाँ पे डिजाइन और लेआउट का ऑप्शन देखने को मिलता है। आ रहा है यहाँ पे डिजाइन और लेआउट टैब। अब आपको यहाँ पे ये दोनों टैब देखने को मिल रहे हैं। सबसे फर्स्ट है डिजाइन। देखिए डिजाइन में सबसे फर्स्ट आपका यहाँ पे ग्रुप रहता है टेबल स्टाइल ऑप्शंस। अभी आप देख रहे हैं आपने हेडर पे से क्लिक हटाया, टेबल में कोई चेंजेस हुआ नहीं हुआ। टेबल पे क्लिक करेंगे सॉरी हेडर रो पे क्लिक करेंगे टेबल में कोई चेंजेस हुआ नहीं हुआ। इसमें चेंजेस तब होगा जब आप यहाँ से टेबल में स्टाइल सिलेक्ट करेंगे। आप टेबल स्टाइल के ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करेंगे, आप यहाँ से इसमें स्टाइल सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे आपने ये वाली स्टाइल सिलेक्ट की अब आप देखेंगे आप हेडर रो पे से क्लिक हटा देंगे तो हेडर का रो आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा, नहीं यार। आप हेडर रो पे क्लिक करेंगे देखिए हेडर का रो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ऐसे नेक्स्ट है यहाँ पे टोटल रो, इस पर क्लिक करेंगे क्या हो गया पूछ रहे थे आप। फिर नेक्स्ट है यहाँ पे टोटल रो, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे टोटल रो आपको देखने को मिल जाता है। फिर नेक्स्ट है इसमें बैंडेड रो, आपने इस पे से क्लिक हटा, अब आपका नेक्स्ट है बैंडेड रो, आप इस पे से क्लिक हटा देंगे। देखिए पूरी टेबल नॉर्मल से हो रही है आपको एक ही कलर में, लेकिन जैसे ही आप बैंडेड रो पे कलर क्लिक करते हैं इसमें क्या होगा एक रो में कलर आएगा एक में नहीं आएगा, फिर एक में कलर से होगा एक में नहीं होगा। इस पे से क्लिक हटा देंगे सब पूरी टेबल आपका नॉर्मल से होगी। इस पे क्लिक करते हैं आप तो एक रो में कलर आता है एक में नहीं आता। फिर नेक्स्ट रहता है यहाँ पे फर्स्ट कॉलम, आप फर्स्ट कॉलम पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से फर्स्ट कॉलम आपको देखने को मिलेगा। लास्ट कॉलम पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से लास्ट कॉलम। बैंडेड कॉलम पे आप क्लिक करेंगे तब क्या होगा एक कॉलम में कलर आएगा एक में नहीं आएगा। जैसे अपन ने इस पे से क्लिक हटा दिया अब आप देख रहे एक कॉलम में कलर आ रहा एक में नहीं आ रहा, इस पे से क्लिक हटा देंगे तो पूरा नॉर्मल हो जाए। बैंडेड कॉलम पे क्लिक करते हैं एक कॉलम में कलर आता है एक में नहीं आता। ऐसे आप बैंडेड रो पे क्लिक करेंगे एक रो में कलर आएगा एक में नहीं आए। इस टाइप से आप यहाँ से टेबल स्टाइल ऑप्शन से अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपको टोटल रो शो होती है, अभी अपन ने इसमें कोई डेटा वगैरह फिल नहीं किया, आपको यहाँ पे टोटल रो को शो करवा देता है। फिर नेक्स्ट आपका यहाँ पे रहता है टेबल स्टाइल। आप टेबल स्टाइल के ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे टेबल की अलग अलग स्टाइल आ रहे हैं। आप टेबल में जो भी स्टाइल यहाँ से सिलेक्ट करना चाहते हैं आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। देखिए टेबल की स्टाइल यहाँ पे चेंज हो जाएगी, जो भी टेबल की स्टाइल आप यहाँ पे सिलेक्ट करना चाहते हैं। फिर नेक्स्ट रहता है मॉडिफाई टेबल स्टाइल, इस पर क्लिक करेंगे इस टाइप का डायलॉग आपके सामने ओपन हो जाएगा। टेबल की जो स्टाइल आप बना रहे हैं उसे आप नाम क्या देना चाहते हैं, फिर यहाँ से आप इससे स्टाइल बेस्ड के ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करते हैं। आप यहाँ से टेबल नॉर्मल रखना चाहते हैं या टेबल ग्रिड 5, टेबल ग्रिड 6। अब ये ग्रिड क्या होता है आप देख रहे हैं ये जो लाइंस आपको शो होती हैं ये क्या होती हैं ग्रिड लाइंस होती हैं। तो आप यहाँ से टेबल में ग्रिड 8 रखना चाहते हैं या जिस टाइप से भी आप यहाँ पे सिलेक्ट करना चाहते हैं। अपन ने टेबल नॉर्मल सिलेक्ट कर लो, फिर आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं आपको इसकी फॉन्ट स्टाइल जो भी आप इसमें लिखेंगे। देखिए चेंज हो रहा है, प्रीव्यू आपको यहाँ पे बता रहा है। फिर फॉन्ट का साइज आप क्या रखना चाहते हैं यहाँ से, इसमें आप बोल्ड करना चाहते हैं इटैलिक करना चाहते हैं अंडरलाइन, आप यहाँ से अप्लाई कर लेंगे। फिर इसके ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करेंगे इसमें आपको कलर क्या सिलेक्ट करना है। देखिए टेक्स्ट का कलर यहाँ से चेंज हो गया, जो भी कलर आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे देखिए
टेक्स्ट का कलर यहाँ से चेंज हो जाएगा। फिर नेक्स्ट यहाँ पे रहता है, इससे ड्रॉप डाउन एरो पे आप क्लिक करेंगे तो बॉर्डर में आपको लाइन किस टाइप की लेना है। देखिए लाइन चेंज हो गई यहाँ से, इसकी यहाँ से लाइन चेंज हो जाएंगी। फिर नेक्स्ट रहता है यहाँ पे इसकी विथ, इससे ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करेंगे आप इसकी विथ यहाँ से कितनी सिलेक्ट करना चाहते हैं। विथ मतलब उसकी चौड़ाई, आप उसकी विथ यहाँ से देखिए, देख रहे हैं आप अभी आपकी ये जो है, देखिए ये बॉर्डर पे आप क्लिक कर रहे हैं, देखिए मोटे में आ रहे हैं थोड़े से, और जब आप यहाँ से इस पर क्लिक कर रहे हैं ये कितने 1/2, इसमें बॉर्डर जो आ रही है वो थोड़ी पतले में आ रही है, और आप इसमें आ ही जाएंगे। आपने जैसे ये सिलेक्ट किया, देखिए अब थोड़ा मोटा हो गया यहाँ से, उसमें आ रहे हैं, इस टाइप से आप इसे यहाँ से सेट कर सकते हैं। फिर यहाँ से ऑटोमेटिक के ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करेंगे, आप इसमें कलर क्या लेना चाहते हैं, कलर आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। फिर इससे ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करके इसमें अभी क्या क्या सिलेक्ट है, ऑल बॉर्डर, आउटसाइड बॉर्डर, इनसाइड बॉर्डर, आप इसमें जिस भी टाइप से सिलेक्ट करना चाहते हैं वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे टॉप बॉर्डर आपको नहीं चाहिए तो आप इस पर से क्लिक हटा देंगे। अभी अपन ने क्लिक कर दिया ऑल बॉर्डर, देखिए ऑल बॉर्डर यहाँ पे सो रहे, आपने इस पर से क्लिक हटा दिया तो अब यहाँ पे बॉर्डर आपको सो नहीं हो रहे। आप यहाँ से ऑल बॉर्डर पे क्लिक करेंगे तो बॉर्डर आपको यहाँ पे सो हो जाएगी। फिर यहाँ से आप इसमें थीम कलर चेंज कर सकते हैं, थीम कलर आप इसमें क्या रखना चाहते हैं, लेकिन आप देख रहे हैं थीम कलर सिर्फ अभी एक ही सेल का चेंज हो रहा है जिसपे क्लिक है, पूरे का थीम कलर यहाँ से चेंज नहीं हो रहा, सिर्फ एक का ही हो रहा है जिसपे वहाँ से सिलेक्ट है, पूरे का थीम कलर चेंज नहीं हुआ। ठीक, इतना आप यहाँ से अप्लाई कर लेंगे, जैसे ही आप वही करेंगे टेबल की स्टाइल यहाँ पे चेंज हो जाएगी। देखिए अब बॉर्डर आपको अलग देखने को मिल रहा है, अपन ने वहाँ से इसे चेंज कर दिया। अब आप जो भी टेक्स्ट इसमें टाइप करेंगे, देखिए कलर अलग आ रहा जो अपन ने वहाँ से कलर सेलेक्ट किया था। फिर इसके ड्रॉप डाउन एरो पे जाते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन रहता है क्लियर, क्लियर कर देंगे उसकी पूरी स्टाइल यहाँ से क्लियर हो जाएगी, वो नॉर्मल आने लगेगी, आप यहाँ से स्टाइल क्लियर कर सकते हैं। और नेक्स्ट है फिर न्यू टेबल स्टाइल, इस पर क्लिक करेंगे इस टाइप का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। ठीक, उसमें क्या था, टेबल अपने पहले से डिजाइन थी उसको ही अपन मॉडिफाई कर रहे थे, इसमें क्या करेंगे आप अपने अकॉर्डिंग टेबल डिजाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आप इसे नाम दे देंगे, जैसे अपन ने यहाँ पे नाम दे देते हैं ABC, आपने यहाँ पे टेबल को नाम दे दिया। स्टाइल टाइप में क्या सिलेक्ट करेंगे आप, टेबल। फिर स्टाइल बैक ग्राउंड में आप जो भी सिलेक्ट करना चाहते हैं, जैसे अपन ने यहाँ पे ले लिया टेबल कॉलम 5, देखिए इस टाइप से चेंज हो गया। अब आप यहाँ पे ले रहे हैं ग्रिड 1, देखिए आ रहा है यहाँ पे ग्रिड 1 में, अब आपको इसमें ज़्यादा अच्छे समझ में आ रहा है क्योंकि ये टेबल अपन अपनी तरफ से डिजाइन कर रहे हैं, वो टेबल क्या थी पहले से डिजाइन थी, सिर्फ अपन उसको मॉडिफाई करके चेंजेस कर रहे थे। इधर आप अपने अकॉर्डिंग टेबल से डिजाइन कर सकते हैं, देखिए यहाँ से ये चेंज हो जाएगा, देखिए चेंज हो रहा है जो भी ग्रिड आप यहाँ से सिलेक्ट कर रहे हैं। अपन इसमें ले लेते हैं टेबल नॉर्मल, ठीक है टेबल नॉर्मल में अपन इसे यहाँ से ले लेते हैं। फिर आप यहाँ से सिलेक्ट करते हैं इससे ड्रॉप डाउन एरो पे, वूल टेबल लेना है, हेडर रो लेना है तो इसमें हेडर आएगा, फर्स्ट कॉलम लेना है तो यहाँ से फर्स्ट कॉलम में आपको सो करवाएगा। अपन ऐसे ले लेते हैं यहाँ से वूल टेबल नॉर्मल आएगी, फिर आप जो भी इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, ये ऑप्शन अभी आपने पढ़ा था हेडर रो फर्स्ट कॉलम, सेम वही ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल रहा है अप्लाई फॉर्मेटिंग, आप जो भी इसमें सिलेक्ट करना चाहते हैं। फिर यहाँ से फॉन्ट स्टाइल, जो भी आप टेक्स्ट इसमें लिखेंगे उसकी फॉन्ट स्टाइल आप क्या लेना चाहते हैं, उसका फॉन्ट का कलर सॉरी फॉन्ट का साइज आप कितना रखना चाहते हैं, देखिए यहाँ से चेंज हो जाएगा, आप बोल्ड करेंगे तो ये बोल्ड हो जाएगा, इस टाइप से आप यहाँ से अप्लाई कर लेंगे, कर लेंगे आप इतने ऑप्शन अप्लाई। फिर यहाँ से रहता है इसकी बॉर्डर, आप इसमें बॉर्डर क्या लेना चाहते हैं, अपन ने बॉर्डर ये सिलेक्ट कर लिया। अभी आप देखो ना बॉर्डर सिलेक्ट किए लेकिन आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही, क्यों, क्योंकि अपन ने यहाँ से ऑल बॉर्डर अभी सिलेक्ट नहीं किया। जैसे ही आप यहाँ से ऑल बॉर्डर सिलेक्ट करेंगे आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। अगर आपने सिर्फ आउटसाइड बॉर्डर सिलेक्ट किए आउटसाइड आई, इनसाइड बॉर्डर सिलेक्ट किए तो इनसाइड आई। अभी देखिए इनसाइड पे ही लेंगे, आउटसाइड पे क्लिक नहीं है तो इनसाइड आ रहे हैं, आपने इनसाइड पे से क्लिक हटा दिया आउटसाइड पे क्लिक कर दिया तो बॉर्डर से आउटसाइड आ रही। अपन ने यहाँ से ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर देते हैं, देखिए अब यहाँ पे ऑल बॉर्डर आपको देखने को मिल जाएगी। फिर इसकी विथ आप यहाँ से सेट कर सकते हैं जिस टाइप से आपको यहाँ पे रखना है, और इसका कलर आप यहाँ से क्या सिलेक्ट करना चाहते हैं। इतना करने के बाद आप इसे यहाँ से ओके कर देंगे, देखिए अब यहाँ पे आपको कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ। अब आप देखिए जब आप स्टाइल के ड्रॉप डाउन एरो पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी कस्टम में आ रही थी जो अभी अपन ने बनाई थी, वो आपको कहाँ देखने को मिल जाएगी,
ऊपर यहाँ पे आपको देखने को